नमस्कार, मैं हूं प्रणव। आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। सरकारी बैंकों में नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है। बैंकों के ब्रांच मर्जर की वजह से सरकारी बैंक अपने यहाँ नौकरियों में कटौती कर रहे हैं। इसे आप एक आंकड़े से समझ सकते हैं। सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोग्राम यानी CRP के तहत जहां पिछले साल 7,858 पद भरे गए थे, वहीं इस साल यह संख्या घटकर केवल 6,035 रह गई। इसी तरह RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक्स में भर्ती वाले पदों की संख्या भी 6,898 से घटकर 4,567 हो गई। नौकरियों के इस तरह घटने की एक बड़ी वजह देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI द्वारा भर्तियों में की जा रही कमी है। आगे इसमें और भी कमी आ सकती है। ये भी हो सकता है कि भर्तियां पूरी तरह बंद हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि SBI अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रही है। SBI की इस ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल ही में RBI से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। शुरुआत में ये कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक ब्रांचेज में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज यानी SBOSS जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी वे सभी अनुबंध के आधार पर होगी। यानी बैंकों में भी पक्की नौकरी अब नहीं मिलेगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को वे सभी लाभ नहीं मिलेंगे जो SBI के कर्मचारियों को मिलते हैं। SBI के बाद हो सकता है कि दूसरे सरकारी बैंक भी ऐसा करें। यानी बैंकों में धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म की जा सकती हैं। SBI से आगे बढ़े तो जानकारों का कहना है कि बैंकों के मर्जर और कॉस्ट कटिंग के उपायों की वजह से हाल के वर्षों में भर्ती में कमी आई है। इसके अलावा लोग डिजिटल चैनल्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और इस वजह से काम के लिए बैंक ब्रांचेस का रुख करने वाले लोगों की संख्या इसमें कमी आई है। खासकर शहरी इलाकों में ऐसा देखा जा रहा है। बैंक अपने ब्रांचेस भी मर्ज कर रहे हैं और इन तमाम वजहों से बैंक नई भर्ती में कमी ला रहे हैं। हमने बैंकों के मर्जर और उनके ब्रांचेस के मर्जर की बात की। हाल के वर्षों में बड़े बैंकों में कई दूसरे बैंकों का मर्जर किया गया है। उदाहरण के लिए अकेले SBI में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सहित कई बैंकों का मर्जर किया गया। इसके बाद बैंकों के ब्रांच भी मर्ज किए गए और यही कारण है कि भर्तियों में कमी की जा रही है। उम्मीद करते हैं ये खबर आपके काम की साबित होगी। काम की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी9 और मनी9 का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।